कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि जो आप लाइफ जी रहे हो वो आपकी हो के भी आपकी नहीं है। कुछ ऐसी ही साइफाई पर डिबेटेबल ट्रू रियलिटी पर बनाई मूवी आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और सबसे पहले मैं सभी को शुक्रिया करना चाहूंगा मेरे प्रीवियस सारे साइफाई एक्सप्लेनेशन को पसंद करने के लिए। इसलिए मैं आपके लिए एक और एक अलग ही तरह की प्रसिद्ध साइफाई मूवी द आइलैंड एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग है और जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाई अपने कहानी के लिए। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म शुरू होती मूवी के लीडिंग कैरेक्टर्स लिंकन और जॉर्डन से। मानो दोनों एस कपल किसी खूबसूरत आइलैंड पर एक अलग ही तरह के टेक्निकली एडवांस और डिजाइनर दिखने वाले शिप पर वेकेशन मना रहे हो। पर जैसे ही लिंकन जॉर्डन का हाथ थामने बढ़ता है, कुछ अनजान म्यूटेंट जैसे दिखने वाले लोग उसे पानी में खींच लेते हैं और वहीं जॉर्डन को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये लिंकन का कोई इल्यूजन हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ लोग उसे जॉर्डन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं उसे किसी की आवाज गूंजते हुए सुनाई देती है कि उसका जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। वो और भी पागल होने लगता है क्योंकि वो खुद को किसी क्यूब में कैद पाता है। कुछ अजीब तरह के साइंस और कोई पर्सनल मोमेंट्स फ्लैश होने लगते हैं और आखिर में वो आवाज उसे किसी आइलैंड में इनवाइट करते सुनाई देती है। पर अंत में झटके में नींद से उठने के बाद उसे समझ आता है कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। अब वो जैसे जैसे अपनी मॉर्निंग रूटीन कम्प्लीट करता है, हमें एज एन ऑडियंस समझ आता है कि उसका पूरा नाम लिंकन 6 एको है और जो किसी हाईली टेक्निकली एडवांस और AI इक्विप्ड अर्थकॉन नाम के लैब में रह रहा है, जो उसकी छोटी से छोटी कंडीशन को मॉनिटर करता है। जैसे जब लिंकन को बुरा सपना आता है तो कंप्यूटर उसके बुरे स्लीप के कंडीशन को समझ जाता है और तुरंत मेडिकल कंसल्टिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करता है। इनफैक्ट पिस करते दौरान कंप्यूटर उसके टॉयलेट को भी स्कैन करके डिटेक्ट कर लेता है कि उसके शरीर में सोडियम की कमी है और इसीलिए उसके फूड डाइट को न्यूट्रिशन के हिसाब से बदल देता है। पर लिंकन को इस लाइफस्टाइल से चिढ़ होने लगती है क्योंकि उसे कपड़े भी वही स्टाइल के और वही कलर के हमेशा पहनने पड़ते हैं। और जब एक शू मिसिंग होने का पता चलने पर वो कंट्रोल रूम रिपोर्ट करता है, तब हमें समझ आता है कि सिर्फ लिंकन ही नहीं बल्कि उसकी तरह कई और लोग सेम लाइफ जी रहे होते हैं, जहां खास करके उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा होता है। उनका डेली रूटीन से लेकर खाना पीना लैब के ऑफिशियल्स ही डिजाइन करते हैं, यहां तक कि उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है और खास करके टू ऑपोजिट जेंडर को एक दूसरे से बातें करना सख्त मना होता है और अगर किसी ने भी उनके नियम का पालन नहीं किया तो उन्हें पनिश किया जाता है। इस पूरे लैब में लिंकन के लिए उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड जॉर्डन ही होती है। पर आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका कारण ये होता है कि ताकि वो लोग हेल्दी बने रहे, क्योंकि लैब से बाहर की दुनिया पूरी तरह से कंटेमिनेट हो गई है, जो रहने लायक नहीं रही। पर एक आइलैंड अब भी है जहाँ कोई कंटेमिनेशन नहीं है, जो एक स्वर्ग सा सुंदर, पर वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो हर हफ्ते निकलने वाले लॉटरी जीतते हैं। पर कारण चाहे कुछ भी हो, लिंकन के अलावा और सभी अपने रोबोटिक लाइफ से तंग आ चुके होते हैं, इसलिए जब उनमें से एक जिसने पिछले 7 साल से कोई लॉटरी नहीं जीती होती है एक दूसरे स्टार्क वेदर 2 डेल्टा के जीतने पर उसे गुस्सा आ जाता है और अपना गुस्सा स्क्रीन पर निकाल देता है और उसके अग्रेशन को नोट करने के बाद ऑफिशियल्स उसके प्रोफाइल के अगेंस्ट इनिशियल वार्निंग रिकॉर्ड करते हैं कि अगर वो ऐसा फिर से पेश आया तो उसकी खैर नहीं। पर आखिर ये लोग कौन है और ये क्यों इन्हें एक रैट की तरह लैब में पाल रहे हैं और वो कौन से नाइटमेयर्स है जो लिंकन को हॉन्ट कर रही है, हमें क्लाइमेक्स में रिवील होगा। अब मूवी में एंट्री होती है लैब के हेड डॉक्टर मेरिक की, जिन्हें पसंद नहीं आता कि लिंकन जॉर्डन में इंटरेस्ट दिखा रहा है जबकि ऑपोजिट जेंडर्स को दूर रहने को साफ कहा गया है। वहीं वो किसी कारण से लिंकन की नाइटमेयर्स में खास दिलचस्पी दिखाते हैं और उसकी कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल लिंकन को वो सपना काफी दिनों से आ रहा होता है और खास करके उसे वो बोट बार बार दिखाई देता है, इसलिए डॉक्टर मेरिक उसे वो बोट ड्रॉ करने को कहते हैं। कमाल की बात ये होती है कि लिंकन सपने में देखा बोट इतने अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेता है, मानो वो उसकी मेमोरीज का हिस्सा हो, ना कि एक इल्यूजन, जिससे डॉक्टर मेरिक भी एकदम हैरान हो जाते हैं और इसीलिए उसके मस्तिष्क के रीडिंग्स को मॉनिटर करने के लिए उसके ऑप्टिक नर्व्स में माइक्रो सेंसर्स इंजेक्ट करते हैं, जिससे अगले 24 घंटे डॉक्टर मेरिक को उसके ब्रेन में हो रहे मेंटल स्टेट के बारे में पता चलेगा। आगे हमें और समझ आता है कि इन्हें कुछ काम भी करना पड़ता है, जैसे किसी तरह का लैब टेस्ट, कोई अनजान सिस्टम मॉनिटर करना और वहीं कुछ न्यूट्रिएंट्स केबल में इन्फ्यूजर टूल के मदद से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट करना। पर ये सारे रीडिंग्स, टेस्ट या आखिर ये न्यूट्रिएंट्स केबल जा कहां रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं होता। वहीं हमें एक और चीज समझ में आती कि रोज किसी न किसी को बाहर से रेस्क्यू करके लैब में भर्ती किया जाता है और जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी
डिलीवरी का समय होता है तो उन्हें भी आइलैंड जाने का मौका मिलता है, जैसे इस केस में लीमा वन अल्फा को मौका मिलता है। पर अब इससे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑपोजिट जेंडर को घुलना मिलना अलाउड नहीं है तो कोई भी यहाँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, इसका भी रहस्य हमें आगे रिवील होगा। अब लिंकन जानबूझकर अपना सिस्टम फेल कर देता है ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जा सके टेक सर्विसेज को बुलाने के बहाने से, जहां वो कुछ समय लैब से दूर बिता सकता है और जहां उसकी दोस्ती टेक स्पेशलिस्ट जेम्स से हुई होती है। जब लिंकन जेम्स से बात कर रहा होता है तो हमें एज एन ऑडियंस एक और बात पता चलती कि लैब के लोगों को बाहर की साधारण जानकारी से दूर रखा गया होता है, जैसे अल्कोहल क्या होता है, मॉडल्स ने कपड़े क्यों नहीं पहने और वहीं खास करके भगवान कौन होते हैं। लिंकन को बहुत इंटरेस्ट होता है बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए, पर जेम्स उसे लिमिटेड जानकारी देता है क्योंकि नियम के अनुसार लैब के लोगों को बाहर के किसी भी इंसान से इंटरेक्ट करना अलाउड नहीं है। जब जेम्स कहीं बिजी हो जाता है तब लिंकन एक फ्लाइट डिस्कवर करता है जो मानो लैब के बाहर की दुनिया से अनजाने में आया हो, पर वो सोच में पड़ जाता है कि अगर बाहर की दुनिया सांस लेने लायक नहीं है तो ये फ्लाई कैसे जीवित रहा। एक और मिस्ट्री उसके दिमाग में चमकती है कि हर दिन लैब के लोगों को सर्वाइवर्स कैसे मिलते हैं जबकि बाहर रहने लायक वातावरण नहीं है। अभी के लिए वो उस फ्लाई को एज प्रूफ जेम्स के मैच बॉक्स में कैद कर लेता है और उसे अपने साथ ले चलता है। अब हमें लैब के और सीक्रेट्स धीरे धीरे रिवील होने लगते हैं क्योंकि जब जेम्स कंप्यूटर फिक्स करने के इरादे से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन रूम आता है, कुछ डॉक्टर्स किसी प्लास्टिक पॉट को ब्रेक करके एक फुल ग्रोन इंसान को निकालते हैं और वो पॉट उसी न्यूट्रिएंट्स केबल से जुड़ा दिखाई देता है जिस पर कुछ देर पहले ये लोग काम कर रहे थे, यानी कि उन न्यूट्रिएंट केबल की मदद से इन इंसान को फीड किया जा रहा था। एक और सरप्राइजिंग बात ये कि एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर उसे अनजान कारण से एक फाइन प्रोडक्ट बताता है और उसे टैग करके लैब के लिए रेडी करने का क्लियरेंस देता है। इन सब के बारे में जेम्स को पता होता है, वहीं लैब के लोग बिल्कुल भी अनजान होते हैं। पर इतना कम नहीं था कि लिंकन को एक और झटका लगता है क्योंकि जॉर्डन लॉटरी जीत जाती है, यानी कि उसकी सबसे करीबी दोस्त अगली सुबह चली जाएगी। अब उसी रात लिंकन को फिर से और भी गंभीर सपना आता है, जैसे लैब के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। अब वो और नहीं रुक सकता, इसलिए खुद से इन्वेस्टिगेशन करने के इरादे से वो फिर से उसी रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन जाता है। वो उस फ्लाई को रिलीज करके उसे फॉलो करता है कि आखिर वो कहां जाएगा। उसका पीछा करते करते वो लैब के मेडिकल सेक्टर जा पहुंचता है जहां उसे कुछ गड़बड़ का शक होता है, इसीलिए अपने कपड़े बदलने के बाद छानबीन करने के इरादे से वो एक OBGYN रूम जा पहुंचता है जहां वही प्रेग्नेंट लेडी लीमा वन अल्फा एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है और उसकी खुशी देखने लायक बनती है क्योंकि उसे पता होता है कि सून वो अपने बच्चे के साथ आइलैंड जाने वाली है। पर उसकी खुशी आंसू में बदल जाती है क्योंकि डॉक्टर अनजान कारण से उसकी ट्यूब में पॉइजन मिला देते हैं जिससे उसकी उसी वक्त तड़प कर मौत हो जाती है और लिंकन के होश उड़ जाते हैं। एक और शॉकिंग जानकारी ये रिवील होती है कि जिस विक्टिम की अभी जान गई उसी की तरह दिखने वाली को उसका बच्चा सौंप दिया जाता है। इतना कम नहीं था कि जब लिंकन और इन्वेस्टिगेशन के इरादे से रिसेप्शन बढ़ता है, उसे एक रिसेप्शनिस्ट किसी मेडिकल डिलीवरी बंदे से बात करते सुनाई देती है कि वो यकीन नहीं कर सकती कि उसने एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर और रीबॉक कमर्शियल के सेलिब्रिटी स्टार्क वेदर को अपने आंखों से देखा। यानी कि अब हमें समझ आता है कि शुरुआत में जिसने लॉटरी जीती थी वो यही सेलिब्रिटी है। इसके तुरंत बाद कुछ डॉक्टर उस पर किसी कारण से कोई सर्जरी परफॉर्म करने लगते हैं, पर उससे पहले ही उसे होश आ जाता है और अपने चेस्ट पर कट देखकर वो कुछ गड़बड़ होने का शक में वहां से भागने लगता है। पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और उनके हाथ लग जाता है और अंत में डॉक्टर उसका लीवर निकाल कर कहीं के लिए डिस्पैच कर देते हैं। अब लिंकन को सबसे पहले चमकता है कि ऐसा ही कुछ गलत जॉर्डन के साथ भी हो सकता है, इसीलिए तुरंत लैब लौटकर उसे सब समझाने के बाद भागने की कोशिश करता है। वहीं सिक्योरिटी भी उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के मदद से उन्हें समझ जाता है कि लिंकन को बहुत कुछ पता चल गया है। अब जब दोनों सिक्योरिटी से बचने के लिए एयर वेंट से एस्केप करने की कोशिश करते हैं तब दोनों एक वास्ट कंडीशनिंग रूम जा पहुंचते हैं जहां कई बॉडीज पड़े होते हैं और कुछ सीरीज ऑफ मंत्र उनके दिमाग में फोर्सफुली फीड किया जा रहा होता है और यहां लिंकन के नाइटमेयर्स का प्लॉट रिवील होता है। लिंकन को अब तक जो सपना आ रहा था वो सब इसी प्रोसीजर के कारण था। ये लोग उन्हें कुछ सीरीज ऑफ क्लिप्स की मदद से ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें चुना गया एक नए शुरुआत के लिए क्योंकि वो लोग स्पेशल हैं जिन्हें द आइलैंड जाना है। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो नाइटमेयर सिर्फ लिंकन को ही क्यों आता है हमें कुछ देर में रिवील होगा। इतना कम नहीं था कि जब दोनों भागते भागते किसी ब्रिज जा पहुंचते हैं जो आइलैंड से कनेक्टेड दिखाई देता है, ब्रिज का कुछ डिस्टेंस क्रॉस करते ही वो आइलैंड गायब हो जाता है जैसे वो सिर्फ एक फेक प्रोजेक्शन था। रियलिटी में उसके दूसरी तरफ सिर्फ सीरीज ऑफ टॉवर्स होते हैं जहां लिंकन एक रूम ऑब्जर्व करता है जिसके ठीक बगल में आइलैंड का स्क्रीन चल रहा होता है, यानी कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन था जो एक होलोग्राफिक पावर ग्रिड की मदद से क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि आइलैंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दोनों लकली आसानी से लैब से भाग निकलते हैं।
हैं और बाहर निकलते ही उन्हें एक और सच्चाई मालूम पड़ती है कि बाहर की दुनिया अब भी सांस लेने लायक है। उन्हें अब तक आइलैंड और वर्ल्ड कंटेमिनेशन के बारे में किसी कारण से झूठ बताया जा रहा है। आगे दिखाया कि डॉक्टर मैरिक न्यू क्लाइंट्स को लुभाने के लिए अपने रिसर्च से तैयार किए प्रोडक्ट एग्नेट को अनवेल करते हैं और अब हमें कंपनी के रियल बिजनेस के बारे में पता चलता है कि डॉक्टर मैरिक का एग्नेट प्रोडक्ट दरअसल एक रियल लिविंग ऑर्गन है जिसे वेजिटेटिव स्टेट में पैदा किया जाता है। वेजिटेटिव स्टेट इंसान के रिलेशन में वो मेडिकल टर्म है जब इंसान जिंदा तो होता है पर कोई साइन ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, इमोशन या दर्द महसूस नहीं करता, वो बस एक लिविंग बींग होता है। इस ऑर्गन के मदद से वो इंसान के किसी भी हिस्से को ग्रो कर सकते हैं, लीवर से लेकर लंग्स, हार्ट और स्किन। पर रियलिटी में ये पूरा सच नहीं होता, जो डॉक्टर मैरिक आगे स्पेशल एजेंट एल्बर्ट को डिस्क्लोज करते हैं, जिसे दोनों को पकड़ने के लिए हायर किया होता है क्योंकि वो कंपनी के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज ना करने का वादा करता है। और अब हमें मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। अर्थकॉन लैब दरअसल अपने क्लाइंट्स के लिए ऑर्गन्स मैन्युफैक्चर करता है जो करीब 120 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। कई पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट स्टार्स जैसे लोग जिनकी बॉडी पार्ट्स फेल हो जाते हैं या उन्हें खुद को प्रेगनेंसी के थ्रू नहीं जाना होता है तो डॉक्टर मैरिक उनके डीएनए के मदद से उनका क्लोन तैयार करता है जिसके शरीर से ऑर्गन क्लाइंट के लिए निकाला जा सके और अंत में क्लोन को मार दिया जाता है। शुरुआत में जब उन्होंने वेजिटेटिव मेथड से डायरेक्टली ऑर्गन्स डेवलप करने की कोशिश की तो विदाउट इमोशंस, ह्यूमन इंटरेक्शन एक्सपीरियंस या बिना इमोशंस के ऑर्गन्स फेल होने लगे, इसीलिए उन्हें क्लोन का सहारा लेना पड़ा जहां वो क्लाइंट का फुल ग्रोन क्लोन तैयार करते हैं जिन्हें सबसे पहले वो पॉड में ग्रो करते हैं जब तक वो फुल फॉर्म स्किन डेवलप नहीं कर लेते। जब क्लोन को पॉड से निकाला जाता है तब उन्हें फोर्सफुली ब्रेन वॉश किया जाता है कि बाहर की दुनिया कंटेमिनेटेड है ताकि उनमें बाहर जाने की इच्छा ना पैदा हो सके। पर उनके लाइफ को एक पर्पस देने के लिए वो उनके दिमाग में आइलैंड जाने की कहानी फीड करते हैं। उन्हें उनके बचपन का फेक वजूद फीड किया जाता है कि कभी उनका बचपन कैसा था। उनमें अग्रेशन के भाव पैदा ना हो इसलिए उनके बिहेवियर को साइकोलॉजिकली उसी तरह ट्वीक किया जाता है और खास करके कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो इसलिए उन्हें सेक्स के ज्ञान से दूर रखा जाता है। जॉर्डन रियलिटी में एक सेलिब्रिटी सारा जॉर्डन का क्लोन है जो कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में है और जिसे मल्टीपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वहीं लिंकन एक बोट डिजाइनर टॉम लिंकन है जिसका अगले 2 साल में लंग फेल होने वाला है, पर डॉक्टर मैरिक उनके क्लोन तैयार करके उनके लिए ऑर्गन सप्लाई करते हैं। ये पूरी दुनिया या उनके क्लाइंट्स को पता नहीं है क्योंकि डॉक्टर मैरिक अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कई नियम तोड़ रहे होते हैं और कोई भी हाई प्रोफाइल क्लाइंट ऐसी चीज का हिस्सा नहीं रहना चाहेगा जिससे उनका नाम खराब हो। यही कारण है कि लैब दूर किसी आइसोलेटेड अंडरग्राउंड लोकेशन में बसा है। अब हमें समझ आता है कि लॉटरी सच में रिग्ड था क्योंकि लॉटरी वही जीतते हैं जिनका ऑर्गन्स निकालने का समय हो चुका होता है। पर कुछ सवाल कि सिर्फ लिंकन को ही वो सपना क्यों आता है, बाकी को क्यों नहीं? वहीं उसके इमेजिनेशंस में जॉर्डन क्यों दिखाई देती है, खास करके उस बोट के साथ? ये प्लॉट थोड़ी देर में रिवील होगा। दोनों अब दुनिया के तौर तरीके और चीजों से अनजान एक राइडर और रैटल स्नेक को देखने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि धरती पर अब भी इंसान जिंदा है। इसीलिए जब लिंकन का ध्यान रोड साइन पर पड़ता है उसे याद आता है कि उसके पास जेम्स के मैचबॉक्स पर सेम रूट की जानकारी दी है, यानी कि जेम्स वहां मौजूद हो सकता है। इसीलिए तुरंत दोनों उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं और उन्हें इवेंचुअली जेम्स मिल जाता है। वो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उन्हें इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। वहीं खास करके अगर लैब के लोगों को ये पता चला तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर दोनों बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आखिर उनसे सबको झूठ क्यों बोला जा रहा है। तब फाइनली जेम्स उन्हें लैब के सारे सीक्रेट्स रिवील करता है और दोनों के शॉक का ठिकाना नहीं रहता। दोनों जेम्स को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें उनके ओनर तक पहुंचाने के लिए ताकि वो उन्हें सच्चाई बता सके, इस उम्मीद में कि उनके ओनर इसे रोकने में मदद करेंगे। जेम्स पहले तैयार नहीं होता पर उसे उनके कंडीशन पर दया आ जाती है और उन्हें सबसे पहले इंसान के कुछ तौर तरीके और करेंसी के बारे में सिखाकर गाइड करता है कि कैसे वो लोग अपने ओनर तक ट्रेन तक पहुंच सकते हैं। पर एल्बर्ट अपने हाईटेक इक्विपमेंट के मदद से उन्हें ट्रैक कर लेता है जिसमें जेम्स मारा जाता है। पर लकीली हल्के फुल्के फाइट्स के बाद वो लोग ट्रेन से भाग निकलते हैं। सिटी पहुंचने पर हमें एज एन ऑडियंस रिवील होता है कि दुनिया आज के समय में काफी एडवांस हो चुकी है जहां डिजाइनर कार्स, सुपर स्विफ्ट मोटरबाइक्स, ब्लैक हेलीकॉप्टर्स और हॉवरिंग ट्रेन एग्जिस्ट करते हैं। जॉर्डन पहली बार अपने ओनर को एडवर्टाइजमेंट से नोटिस करती है। वही जब वो एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से अपने ओनर के घर वीडियो कॉल करती है तब उसे उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, जिसे एक छोटा बच्चा भी है और जो उसे तुरंत पहचान लेता है और जिसे देखकर जॉर्डन का दिल भर आता है।
पर तब तक फिर से अल्बर्ट उन तक पहुंच जाता है और लंबे एक्शन सीन्स कार चेजिंग एक्शन के बाद वो लोग कैसे तो करके बचकर टॉम लिंकन के घर जा पहुंचते हैं, जो अपने क्लोन को देखकर और पूरे रियलिटी को समझने के बाद वो भी शॉक हो जाता है और उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। पर रियलिटी में टॉम लिंकन लंग फेलियर के कारण मरने को तैयार नहीं होता, इसलिए चुपके से इसकी खबर लैब को रिपोर्ट कर देता है। वहीं अब लिंकन को क्लियर होता है कि आखिर क्यों वो बोट उसे अपने सपने में दिखाई दे रही थी, क्योंकि टॉम लिंकन ने वो बोट खुद डिजाइन की होती है। वहीं डॉक्टर मैरिक अब इस मिस्ट्री के पीछे पड़ जाते हैं कि आखिर लिंकन को ही क्यों वो इमेजिनेशंस आ रहे थे, और खास करके वो बोट जो उन्होंने कभी उसके दिमाग में फीड ही नहीं किया। तब उन माइक्रोसेंसर्स की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें पता चलता है कि लिंकन के दिमाग की सोच उसके पॉड के समय से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट को ध्यान से जांच करने के बाद डॉक्टर मैरिक को रियलाइज होता है कि ये मेमोरीज क्लोन लिंकन की नहीं है, बल्कि उसके ओनर टॉम लिंकन की है। यानी कि क्लोन लिंकन और जैसे बाकी क्लोन्स जो जनरेशन 3 सीरीज एक्सपेरिमेंट से बने हैं, उनमें भी अपने ओनर्स के फुल मेमोरीज डेवलप हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर मैरिक तुरंत पॉड में पल रहे जनरेशन 3 और ऑलरेडी क्रिएटेड क्लोन्स को लॉटरी के बहाने से इनवाइट करके खत्म करने का ऑर्डर देता है। वहीं टॉम लिंकन उनकी मदद करने के बहाने से उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, पर जॉर्डन को उसके बात पर शक होने लगता है। पर लिंकन रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता, और जॉर्डन को वहीं रहने का सुझाव देता है। टॉम लिंकन की खबर के मुताबिक अल्बर्ट उन तक पहुंच जाता है, पर लिंकन जैसे तैसे उससे फिर से चकमा देकर निकल जाता है। अंत में टॉम लिंकन और क्लोन लिंकन के फाइट के दौरान अल्बर्ट उनमें से असली का पता नहीं लगा पाता। अब इसका फायदा उठाते हुए क्लोन लिंकन टॉम लिंकन के रिस्क पर अपने लैब का आईडी टैग बांध देता है, और अल्बर्ट गलती से रियल लिंकन को क्लोन समझकर उसे वहीं खत्म कर देता है। यानी कि अब डॉक्टर मैरिक और अल्बर्ट के नजर में क्लोन लिंकन मारा गया, वहीं उन्हें सिर्फ जॉर्डन की तलाश करनी बाकी है। अब क्लोन लिंकन टॉम लिंकन की तरह रहने लगता है, पर क्योंकि लैब के नजर में क्लोन लिंकन मारा गया तो उन्हें उसका रिप्लेसमेंट फिर से तैयार करना पड़ेगा। इसलिए लैब से टॉम लिंकन के लिए कॉल आता है कि उसे फिर से डीएनए स्कैन के लिए आना पड़ेगा, और वो ये बहाना करते हैं कि उनके लास्ट एक्सपेरिमेंट में कोई इन्फेक्शन हो जाने के कारण उनके सारे क्लोन्स को रिकॉल किया गया है, जिससे अब लिंकन को समझ आ जाता है कि उनका प्लान क्लोन को खत्म करना है। लिंकन उन्हें मरता देख नहीं सकता, इसलिए प्लान बनाकर असली टॉम लिंकन के भेस में लैब पहुंचता है। वहीं जॉर्डन भी झूठ पकड़े जाने की एक्टिंग करती है ताकि दोनों अपने प्लान को अंजाम दे सके, पर असली टॉम लिंकन की भी लाश लैब लाई होती है क्लोन लिंकन समझकर, और उसके गलत रिस्क पर आईडी टैग का पता चलने पर डॉक्टर मैरिक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब लैब में मौजूद लिंकन ही रियल क्लोन है। जब तक उन्हें इसका पता चले, दोनों अपने कैद से छूटकर उसी टावर के लिए बढ़ते हैं जहां पूरे होलोग्राम का मशीन सेटअप होता है। उनका प्लान उस मशीन को डिस्ट्रॉय करना होता है ताकि सभी को फेक आइलैंड की सच्चाई पता चल सके। एक तरफ जॉर्डन बाकी क्लोन्स को बचाने निकल जाती है, वहीं डॉक्टर मैरिक और लिंकन के बीच घमासान एक्शन सीक्वेंस से भरी फाइट्स होती है। अंत में लिंकन डॉक्टर मैरिक को चकमा देकर उसे खत्म कर देता है। वहीं मशीन को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में पूरा चेंबर क्रैश हो जाता है और सभी अपने कैद से रिहा हो जाते हैं, और उन्हें फाइनली अपने बाहर की असली दुनिया की सच्चाई दिखाई देती है। उसके कुछ दिन बाद दोनों उसी बोट से कहीं के लिए निकल पड़ते हैं, और अब फाइनली मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील होता है कि जो इमेजिनेशंस लिंकन जॉर्डन के साथ सपने में महसूस कर रहा था वो टॉम लिंकन का मेमोरीज नहीं बल्कि उसका इमेजिनेटिव सपना था, जैसे एक इंसान कुछ करने की आशा में कुछ इमेजिन करता है। और ये मूवी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है। भाई ये सच में सही नहीं है, उन्हें कुछ तो दिखाना चाहिए था कि आखिर उन क्लोन्स का क्या हुआ, क्योंकि एक तरह से उनके ओनर का लाइफ क्लोन्स पर डिपेंडेंट थी, फिर चाहे वो ऑर्गन्स के लिए हो या कोई और कारण से। और वहीं क्या पूरे वर्ल्ड को डॉक्टर मैरिक के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला, स्पेशली उस क्लोन का क्या हुआ जो प्रेसिडेंट का क्लोन था? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का क्लोन को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे देखा जाए तो स्टोरी राइटर दिखाए भी तो क्या, वो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं दिखा सकते कि लिंकन की तरह बाकी क्लोन्स ने भी अपने ओनर की जान ले ली और खुद को उनसे रिप्लेस कर दिया। बस यही एक सबसे बड़ी मिसिंग ट्विस्ट है जो मुझे पसंद नहीं आई, वरना ये मूवी देखने लायक है। और अगर आपको भी ये देखनी है तो फुल मूवी आपको आसानी से YouTube पर मिल जाएगी। अब अगर बात करें तो क्या सच में क्लोनिंग पॉसिबल है आज के जनरेशन में? वेल, ये बिल्कुल भी मुमकिन है, जिसे वैज्ञानिकों ने 200 से ज्यादा अधिक ट्रायल और फेलियर अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेसफुली एक शिप को क्लोन किया, जिसे डॉली द शिप कहा जाता है। पर यदि यही सेम एक्सपेरिमेंट इंसान पर किया गया तो सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्लोन शक्ल से तो एग्जैक्ट कॉपी हो सकता
सकता है, पर बिहेवियर लाइक डिसलाइक और थिंकिंग में बिल्कुल अलग साबित होगा, क्योंकि इंसान का बिहेवियर या नॉलेज उसके एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, जिसे क्रिएट नहीं किया जा सकता। वरना अमेरिका ने कब का एल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंस की कॉपी तैयार कर दी होती। अगर आप लिंकन या जॉर्डन के क्लोन की सिचुएशन में होते तो क्या करते, या अगर आपको किसी को क्लोन करने का मौका मिले तो आप किसे क्लोन करना पसंद करोगे? मुझे आपके इंटरेस्टिंग ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही ये वीडियो चल पाएगी। और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।